organized by Substratum Learners. So students, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिस्ट्री को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें कि हम प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि हम सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं. हमारे अर्थ पे जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है दैट इज कार्बन. सो कार्बन लगभग हर एक चीज में प्रेजेंट है. जितनी भी लिविंग थिंग है उन सब में प्रेजेंट है क्या? उन सब में प्रेजेंट है कार्बन. तो कार्बन जब कभी भी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और एनी अदर सब्सटेंस कंपाउंड बनाता है देन दैट टाइप ऑफ केमिस्ट्री इज बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, पीजीटी, टीजीटी एग्जाम्स में एंड इवन फॉर क्लास 10th एंड 12th इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज मेटलर्जी. नाउ व्हाट इज मेटलर्जी? दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. देखिए, आप जानते हो दैट इंडिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत लार्ज अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं एंड दोज मिनरल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खनिज पदार्थ, वो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, माइन किए जाते हैं और उनको हम डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं. उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना और फिर उस मेटल को उसकी ओरिजिनल यानी कि यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नोन एज मेटलर्जी. सो मेटलर्जी कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है मेटलर्जी को करने के और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए और आपको बोरिंग एंड लेंथी भी ना लगे, दैट इज व्हाई आई हैव डिवाइडेड द वीडियो इनटू टू पार्ट्स. पहला पार्ट जिसमें हम मेटलर्जी होती क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं और उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है उसको देखेंगे, दैट इज इन टुडेज वीडियो. इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे उसमें तीन इंपॉर्टेंट मेटल्स जो क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th के कोर्स में है, दैट इज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मर्करी. इन तीनों का एक्सट्रैक्शन कि कैसे इनको इनके ओर से जमीन के अंदर से निकाला जाता है देन उस ओर को प्यूरिफाई करके उस ओर को कन्वर्ट किया जाता है फाइनली किसमें, यूजेबल मेटल में. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको हम मेटलर्जी में यूज करें. ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे आपके सामने प्रेजेंट है 6 टर्म्स. इन टर्म्स का यूज हम कई बार मेटलर्जी में करेंगे और उस वक्त अगर हम बिना बताए आपको आगे बढ़ जाते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी कि ये एक्चुअली है क्या. तो आइए सबसे पहले वन बाय वन करके हम इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव टू द प्रोसीजर ऑफ मेटलर्जी. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म दैट इज मेटलर्जी. अगर मेटलर्जी है क्या, सो बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर. दैट मीन्स केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें कि हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, दैट मीन्स मेटल्स को जमीन से निकाला गया और उसको कैसे फिर फाइनली ओर्स को जमीन से निकाला गया और फिर फाइनली कैसे उसको प्योर एंड यूजेबल मेटल्स में हम कन्वर्ट करते हैं, दैट स्टडी दैट नॉलेज इज नोन एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज मेटलर्जी. द सेकेंड थिंग जो कि आपके फर्स्ट के डेफिनेशन से ही आती है, और यहां पे हमने छोड़ा था तो हम देखते पहले ओर क्या होता है. सो दो चीजें होती हैं, जमीन के अंदर से दो तरीके के एलिमेंट्स निकल सकते हैं, दो तरीके के सब्सटेंस निकल सकते हैं, ईदर मिनरल और ओर. ओर ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है और इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी कम होती है. ठीक है, 50%
अ सब्सटेंस विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल, और मेटल कितना, मोर देन 50% एंड लेस क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी कम रहे, मेटल्स की क्वांटिटी 50% से ज्यादा रहे, देन दैट थिंग दैट सब्सटेंस इज नोन एज अ ओर। ओर के बाद नेक्स्ट हम आते हैं मिनरल पे, ठीक है। ओर में मेटल्स ज्यादा था, लेकिन अगर मेटल्स की क्वांटिटी कम कर दें, मेटल्स कम हो सॉरी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन अ सब्सटेंस विच कंटेन लेस क्वांटिटी ऑफ मेटल, मेटल की क्वांटिटी कम हो, कितनी कम हो, 50% से कम हो, और इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी ज्यादा हो, तब ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे एलिमेंट को वी कॉल इट अ मिनरल। मिनरल के बाद आते हैं इम्प्योरिटीज पे। सो किसी भी ओर में या मिनरल में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, दैट इम्प्योरिटीज आर नोन एज गैंग पार्टिकल्स। अब इम्प्योरिटीज बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, वो इम्प्योरिटीज जो कि आपके मेटल यानी कि ओर में सॉल्युबल हो, मेटल के साथ कंबाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन में, यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन के जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, आयरन को जब हम हैमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसके दो ओर हैं, उसमें से निकालते हैं, तो उसमें प्रेजेंट होता है SiO2 जो कि आयरन के साथ फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। ओके, सो इसको जब तक हम किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेंगे ये बाहर नहीं निकलेगा। उसको रिएक्ट करके उस मेटल से बाहर निकालने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज अ फ्लक्स। सो बेसिकली व्हाट इज अ फ्लक्स, फ्लक्स इज अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद द गैंग पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल के साथ जो रिएक्ट करे और उसको वहां से निकाल दे। सो अगर हैमेटाइट और मैग्नेटाइट से हमें SiO2 दैट इज सिलिका को बाहर निकालना है, देन व्हाट वी डू, वी यूज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को SiO2 से रिएक्ट करा देते हैं, बनता क्या है, CaSiO3। और इस तरीके से आयरन में से कैल्शियम सिलिका ऑक्साइड के फॉर्म में से ये बाहर निकल आता है, CaSiO3, नॉट 2, CaSiO3। द थर्ड, द लास्ट वन, दैट इज स्लैग। अब हम लोग डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज देख रहे थे, पहली इम्प्योरिटी थी गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए व्हाट इज यूज, फ्लक्स इज यूज। नाउ फ्लक्स ने जो इम्प्योरिटी निकाली, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि SiO2 वॉज द गैंग पार्टिकल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। नाउ इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड को हमने इसको रिएक्ट कराया SiO2 में से, और रिएक्ट कराने में हमें मिला CaSiO3। नाउ दिस CaSiO3 जो कि रेसिड्यू के फॉर्म में बाहर निकल गया, दैट इज नोन एज स्लैग। इसे हम कहते हैं स्लैग, ठीक है। तो स्लैग इज व्हाट, स्लैग इज द इनसॉल्युबल रेसिड्यू, इनसॉल्युबल रेसिड्यू प्रेजेंट और विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ओर। अब आप ही सोचिएगा, ओर में मेटल्स ज्यादा, मिनरल्स में मेटल्स कम, तो अगर हम इकोनॉमिकली दैट मींस पैसे के वाइज से सोचें, तो ओर और मिनरल में से किसमें से मेटल को ऑब्टेन करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बड़े से टैंक को, बड़ा सा नहीं लेते अभी छोटा ही ले लेते, 1 लीटर का टैंक है, उसमें ओर पूरा भरा हुआ है, ठीक है। उसमें मान लो 70% मेटल प्रेजेंट है और बाकी 30% इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, लेकिन वहीं पे 1 लीटर ऑफ मिनरल है और उसमें सिर्फ 30% मेटल है और बाकी 70% इम्प्योरिटीज है। सो इन बोथ द केसेस ओर में से हमें ज्यादा मेटल मिलेगा एज कंपेयर टू मिनरल। ओके, सो चलिए जल्दी से इन टर्म्स को नोट कर लीजिए। आई होप सो कि आप सब कॉपी पेन एंड राइटिंग मटेरियल ये सारी चीजें लेके तो बैठे ही होंगे, नहीं बैठे तो वीडियो ऑफ पॉज करिए जल्दी से और दौड़ के अपनी राइटिंग मटेरियल लेकर आइए। उसके बाद इन टर्म्स को नोट करिए, हेडिंग डाल लीजिएगा मेटलर्जी, इन टर्म्स को नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे अलग अलग मेथड से मेटलर्जी की प्रोसेस की जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स टर्म्स डिस्कस करने के बाद अगर हम बढ़ें, व्हाट आर द स्टेप्स
we can remove the impurities from a metal and then use the metal in different purposes, for different purposes. So basically, यहाँ पे आप देख रहे हो चार steps, कौन कौन से. सबसे पहले ore का concentration करना. Ore के concentration करने का मतलब कि उसमें से impurities like sand, mud, any other metal, इन सारी चीजों को remove करना. That is done by either physical methods or chemical methods. अगर physical impurities ज्यादा होंगी, physical impurities like sand, mud, ये सब ज्यादा है, तो उसको gravity separation या froth flotation से remove कर सकते हैं. In case अगर iron या iron like substance है, तो उसको magnetic separation से अलग कर सकते हैं. बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. इन स्टेप्स को डिस्कस करने के बाद एक एक स्टेप को हम डीपली डिस्कस करेंगे. देन कम्स लीचिंग. लीचिंग इज अ केमिकल मेथड और इसमें हम विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स वी यूज सर्टेन केमिकल्स एंड देन वी रिमूव द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर और एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी विच इज ऑफ नो यूज. देन आफ्टर ओर का हो गया क्या, और पहले चरण को फॉलो कर लिए, दैट मींस दे क्वालिफाइड द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन दे आर सेंड टू द ऑक्साइड फॉर्म. नाउ अब मेटल को यानी कि ओर जिसमें से इम्प्योरिटीज मैक्सिमम इम्प्योरिटीज निकल चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मेथड्स, इनमें से किसी एक मेथड का यूज करते हैं. कहां पे कौन सा मेथड होता है, वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. द नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन मेथड, दैट मींस ऑक्साइड का फॉर्मेशन. सो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कराते हैं दो मेथड से, ईदर रस्टिंग और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम ओर को बर्न करते हैं, हीट अप करते हैं, देन दैट इज नोन एज रोस्टिंग. और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर व्हेन वी हीट ओर, दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन. आफ्टर डिस्कसिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिडक्शन. एक बार ओर अपने ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, दैट मींस अब वो ऑक्साइड में है, लाइक Al2O3, CuO, अगर ऑक्सीजन कॉपर की बात करें तो CuO, मर्करी की बात करें तो HgO, एल्यूमिनियम की बात करें तो Al2O3, आयरन की बात करें तो Fe2O3, इन फॉर्म्स में पहुंच गया. तो अब यहां पे क्या चीज हमारे पास बची हुई है, द ऑक्सीजन. उस ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करना है, सो दैट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. So removal of oxygen is known as reduction and the process is done with the help of what? With the help of smelting. Okay, the process is known as smelting. After removal of oxygen, there might be some impurities. वहाँ पे कुछ impurities present हो सकती हैं. उन impurities को आप कैसे remove करोगे, आप कैसे हटाओगे, that is done by final refining and by the method of electrolysis. Now what is electrolysis? There is a big chamber, एक बड़ा सा chamber लिया जाता है, बड़ा सा vessel लिया जाता है, उसमें दो rod insert किए जाते हैं. One is cathode and another is anode. तो इन दोनों rods में electricity को pass किया जाता है high voltage पे. और उसमें जो positive particles होते हैं वो अलग remove हो जाते हैं, जो negative particles होते हैं वो अलग. That means cation and anion are both separated. और फिर वहां से हम metal को कितना percent, 99.9% we get pure metal. ठीक है, 99.9% pure metal. भाई 0.1% तो bacterias भी हमारे हाथ पे रह ही जाते हैं after we use any kind of sanitizer or we wash our hands. So इसी तरीके से यहाँ पे भी maybe there are chances कि थोड़े बहुत impurities left हो जाए, but 99.9% pure metal, मतलब the metal is totally pure in nature. Okay? तो ये चार methods थे, ये चार पूरे methods के आप कह सकते हो, ये चार pro
प्रोसीजर है। ओवर को सबसे पहले रूम नंबर वन में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन में भेजेंगे, फिर रूम नंबर टू दैट इज ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने में, फिर रूम नंबर थ्री दैट इज रिडक्शन, एंड फाइनली टू रूम नंबर फोर दैट इज रिफाइनिंग। तो ये चार प्रोसेस तो सब में होने ही होने हैं, लेकिन अब मेटल पे डिपेंड करता है या स्पेशली ओर पे डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते, बिकॉज इसमें भी कई मेथड्स हैं रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्साइड में भी चेंज करने में कई मेथड्स हैं, रिडक्शन में एक ही है स्मेल्टिंग, उसके बाद यहाँ पे भी फाइनली एक रिफाइनिंग आ जाती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, कॉपर और मर्करी, इन तीनों में कौन कौन से मेथड्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट आज की वीडियो में ओवरऑल ये टर्म्स हैं क्या, ग्रेविटी सेपरेशन क्या है, फ्लक्स रोटेशन क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं वन बाय वन, स्टार्टिंग विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मीन्स क्लीनिंग करनी है ओर की, इम्प्योरिटीज बाहर निकालना है और ओर को जो मड और सिल्ट एंड सैंड है इससे फ्री करना है। सो फिजिकल मेथड में हम लोगों ने तीन मेथड्स देखे थे जिससे कि हम ओर की ड्रेसिंग कर सकते हैं, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन, देन फ्लक्चुएशन मेथड, एंड फाइनली कम्स व्हाट, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं। नाउ इन दोनों मेथड्स में, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन, एक एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में द क्राइटेरिया इज डेंसिटी। ओके, द क्राइटेरिया इज डेंसिटी, दैट मींस जिस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा वो सेटल डाउन हो जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर आ जाएगा। बट इस प्रोसीजर को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज वाटर। ओके, नाउ लेट अस सी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो फॉर दैट अ स्टेयर्स लाइक सेटअप इज मेड। ओके, इस तरीके से स्टेयर्स लाइक सेटअप होता है और इन अ बिग फनल, बड़े से फनल से ओर को यहां गिराया जाता है इस एरिया में। ओके, और यहां से बहुत हाई स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में, बिल्कुल जैसे मोटर से पानी आता है तो जितनी स्पीड उसकी होती है बिल्कुल वैसी स्पीड में यहां से वाटर को सेंड किया जाता है। व्हाट इज सेंड, H2O। तो सबसे पहले करेंगे क्या, माइंस से ओर आया, उसको पीस लिया गया, उसको क्रश कर लिया गया ताकि उसके छोटे छोटे, कई बार क्या होते बड़े बड़े पीसेस होते हैं तो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाए, इस तरीके से उसको क्रश कर लेते हैं। नाउ क्रशिंग, आफ्टर क्रशिंग इट डाउन, इस तरीके का एक स्टेयर्स लाइक सेटअप बना लेते हैं। इधर से वाटर एट वेरी हाई स्पीड सेंड किया जाता है। सेंड करने पर क्या होगा कि विद द स्पीड ऑफ वाटर सारा ओर यहां से निकल के और इन स्टेयर्स पे कलेक्ट होगा। बट इन स्टेयर्स में बने हैं बड़े बड़े बोल्स, बड़े बड़े वेसल्स लाइक दिस, इस तरीके से बड़े बड़े बोल्स प्रेजेंट है। नाउ यहां से वाटर से सेंड किया गया तो ओर भी इसके साथ आगे आ जाएगा और आगे आके गिरेगा कहां, इस बोल में, बड़े से कटोरे में। एंड यहां पे हमने आपको क्या बताया था, टर्म यूज क्या होगा, डेंसिटी, ओर की डेंसिटी ज्यादा। ठीक, तो ये नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएगा। इम्प्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल सैंड, सिल्ट, इन सब की डेंसिटी कम, कई बार क्या होता है स्ट्रॉ के पार्टिकल्स होते हैं तो डेंसिटी उनकी कम होगी तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेंगे। ओके, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। यहां से जब वाटर को सेंड किया जा रहा था तो इसमें ओर के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी थी, लेकिन जब इस बड़े से बोल में ये कलेक्ट हुआ तो डस्ट पार्टिकल्स
वो सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी कम थी वो ऊपर की तरफ आ गए, वेयर एज द ओर सेटल्ड डाउनवर्ड्स। नाउ लेकिन अभी बात यही खत्म नहीं हुई, वॉटर इज कंटिन्यूड फ्लोइंग हियर, लगातार फ्लो कर रहे हैं। तो इन केस अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ओर ऊपर आ गया होगा और विद द हेल्प अलोंग विद सम डस्ट पार्टिकल्स एंड सम इम्प्योरिटीज द लाइटर वंस, तो फिर से पानी, जब लगातार पानी तो भेजा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अगर ऊपर ओर कलेक्ट हो गया होगा तो फिर से ये आ जाएगा कहाँ, ये आ जाएगा नीचे वाले बोल में, और अगेन नीचे वाले बोल में नीचे के तरफ प्रेजेंट होगा ओर, और ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे डस्ट पार्टिकल्स यानी कि लाइटर पार्टिकल्स। फिर अभी भी वाटर कंटिन्यूड है, तो कोशिश किया जाता है कि कम से कम दो तीन सीढ़ियां, दो तीन स्टेयर्स इस तरह से बनाए जाएं जहां पे नीचे के तरफ और कलेक्ट हो जाए और ऊपर के तरफ कलेक्ट हो जाए क्या, ऊपर के तरफ कलेक्ट हो जाए इम्प्योरिटीज। ओके, सो लाइक दिस द लाइटर पार्टिकल, फिर उसको बाहर ड्रेन कर लिया जाता है, छान के हटा लिया जाता है, एंड ओर्स को नीचे की तरफ जो कलेक्टेड है उनको अलग कर दिया जाता है। ओके, सो दिस इज अ मेथड नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, डेंसिटी, और वो सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी ज्यादा वो सेटल डाउन हो जाएगा, दैट इज बेसिकली योर ओर, और वो सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर की तरफ फ्लो होता रहेगा इन दीज बोल्स, तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। नाउ ये तो बात हो गई उन सब्सटेंस की यानी कि उन ओर्स की जहां पे डेंसिटी क्राइटेरिया फॉलो होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका ओर है सल्फाइड ओर, ठीक है, व्हाट इज सल्फाइड ओर, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर, यानी कि ऐसा ओर जिसमें कि ट्रेसेस ऑफ सल्फर आपको मिले, उन ओर्स के लिए यूज करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। नाउ व्हाट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, एक बड़ा सा वेसल ले लिया जाता है और उस वेसल में तीन चीजें मिक्स करते हैं, कौन कौन सी तीन चीज, ओर प्लस ऑयल। नाउ द ऑयल मे बी टर्पेंटाइन ऑयल और पाइन ऑयल, एज यू ऑल नो टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑल्सो यूज फॉर डाइल्यूटिंग पेंट्स, पेंट्स काफी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में आता है और उसको वॉल्स पे अप्लाई करने से पहले उसको डाइल्यूट किया जाता है, सो दैट डाइल्यूशन इज डन विद द टर्पेंटाइन ऑयल, सो ईदर टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज और पाइन ऑयल इज यूज, एंड अलॉन्ग विद दैट वॉटर इज मिक्सड। सो मिक्सचर बनाते हैं 1:1:1 का, इक्वल अमाउंट में तीनों चीजें होनी चाहिए, ओर ऑयल एंड वॉटर, एंड देन वी मिक्स देम टूगेदर। तो मान लो यहां तक फिल हो गया और इस वेसल में पूरे में ओर ऑयल एंड वॉटर एक साथ मिक्स्ड है। नाउ इसमें एक बड़ा सा पाइप इंसर्ट किया जाता है जो कि नीचे फ्लैट होता है, नीचे फ्लैट होता है। आई होप सो एवरी वन ऑफ यू हैज सीन अ वाइपर, वाइपर सबने देखा है, लॉन्ग रॉड होती है और नीचे फ्लैट होता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोर्शन में, ठीक है। अब उस हॉरिजॉन्टल पोर्शन में प्रेजेंट है कुछ होल्स, क्या प्रेजेंट है, कुछ होल्स प्रेजेंट है। सो पाइप का हमने एग्जाम्पल दिया लेकिन बिल्कुल पाइप जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, आप समझ सकते हो एक बड़ी सी रॉड है उसमें एक और रॉड है, मतलब टी शेप का है वो पूरा, जो नीचे वाली रॉड है उसमें परफोरेशन है, उसमें होल्स है। नाउ इस रॉड में ऊपर से काफी हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर एयर, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे एयर पास किया जाता है, और जैसे ही आप इसमें एयर पास करोगे तो ये एयर इन परफोरेशंस के थ्रू, इन होल्स के थ्रू आपके इस मिक्सचर में आ जाएगी, एंड देन इट विल कम टू द मिक्सचर, देन
फ्रॉथ इज प्रोड्यूस्ड. नो व्हाट इज फ्रॉथ? झाग. जब कभी भी आप डिटर्जेंट को बकेट ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हो तो आप देखते हो व्हाइट कलर की मोटी लेयर बन जाती है फ्रॉथ की, झाग की. सो यहां पे भी क्या होगा, एक मोटी लेयर फ्रॉथ की बन जाएगी. ओके और देखो, जब हम इसमें से एयर पास करेंगे तो वो ओर जो कि नीचे की तरफ सेटल डाउन था उसमें भी कन्वेक्शन करंट्स की तरह सर्कुलेशन होगा. और जब सर्कुलेशन होगा तो जो और पार्टिकल्स हैं वो आके यहां पे फंस जाएंगे, इस फ्रॉथ में कलेक्ट हो जाएंगे. ओके इस तरीके से. और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे एट द बेस ऑफ द वेसल कलेक्ट हो जाएगी. ओके सो इस तरीके से ऊपर आ गए क्या, द अबव पोर्शन वेयर फ्रॉथ वॉज प्रेजेंट कंटेन्स द ओर, वेयर एज द लोअर पोर्शन वेयर द बेस ऑफ द वेसल वॉज देयर वहां पे क्या आ जाएगा, इम्प्योरिटीज. सो बाय दिस मेथड अब इस फ्रॉथ में से कैसे हम ओर को निकालेंगे, दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हम फ्रॉथ को डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते. सो किया क्या जाता है, बड़े बड़े स्पैचुला की हेल्प से इस फ्रॉथ को बाहर निकाल लिया जाता है एंड इट इज सन ड्राइड. वॉट इज डन, इस फ्रॉथ को बाहर निकाल के करते हैं सन ड्राई. ठीक है, सन में इसको ड्राई कर. एंड व्हेन वी डू सन ड्राइंग देन दिस फ्रॉथ इवेपोरेट्स, ये फ्रॉथ गायब हो जाता है एंड ओनली द ओर इज लेफ्ट. ओके सो सल्फाइड ओर को हम इस मेथड से अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेयर द इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट द बेस एंड द फ्रॉथ कंटेन्स द ओर विच इज देन सन ड्राइड टू रिमूव द ओर आउट ऑफ. इस मेथड के बाद अब हम आते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड पे और केमिकल मेथड जहां पे लीचिंग हो रही है. ओके सो चलिए वहां की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. सो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा किसमें, ग्रेविटी सेपरेशन में, जिसमें क्राइटेरिया था डेंसिटी. उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जिसमें क्राइटेरिया था यूज ऑफ सल्फाइड ओर, ओनली सल्फाइड ओर कैन बी यूज. इन द थर्ड वन दैट इज इन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो क्राइटेरिया है दैट इज हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, या तो जो इम्प्योरिटीज हैं उसमें गैंग पार्टिकल्स हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो या तो आपके ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो. अगर इन दोनों में से किसी के भी अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. इसको अगर हम कोरिलेट करें अपनी डेली लाइफ से तो आई होप सो आप सबने आटे की चक्की देखी होगी, वहां पे एक मोटा सा बेल्ट होता है और बड़ी सी मशीन होती है, उसमें दो रोलर्स लगे होते हैं साइड साइड में और एक बड़ी सी पट्टी होती है लेदर की जो कि लगातार ऐसे रोटेट करती रहती है. उसी को कोरिलेट करते हुए वहां पे हम देखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. तो क्राइटेरिया क्या था, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट मैग्नेटिक सब्सटेंस कुड बी इन प्रेजेंट इन द इम्प्योरिटीज और प्रेजेंट इन द मेटल और ओर. ओके सो चलो देखते हैं. Here, a round magnet is used. ठीक है, सर्कुलर राउंड मैग्नेट को यहां पे अटैच कर दिया जाता है और एक बड़ा सा फनल अटैच होता है यहां पे जो कि ओर को गिराता है, जिसकी वजह से यहां पे इस एरिया में ओर कलेक्ट हो जाता है. ओके इस तरीके से यहां पे ओर कलेक्ट हो जाता है. नाउ जैसे जैसे ये रोटेट होगा ओर आगे की तरफ बढ़ेगा. ठीक है, नाउ इस एरिया को पहले एक सेटअप बना के देख लेते हैं और देखने के बाद ये देख लेते हैं कि जो ओर है
या जो मैग्नेट वाला सब्सटेंस है वो कहाँ पे जाके गिर रहा है, उसके अकॉर्डिंग दो बकेट्स लगा दिए जाते हैं। पहला बकेट उस जगह लगाते हैं जहां पे हमारा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कलेक्ट होता है। ओके, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कलेक्टेड। नाउ दैट नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी ओर और इम्प्योरिटी। दूसरा बकेट उस एरिया में लगाते हैं वेयर द मैग्नेटिक सब्सटेंस गेट्स कलेक्टेड। ओके, ये तो आपने देख ही लिया मैग्नेट है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। नाउ अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं किस तरीके से ये होता है। वो यहां से गिरा। ओके, एंड दिस बिग मशीन, दिस बिग लेदर बेल्ट इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली। नाउ जब ये मैग्नेट अपना वर्क करता है तो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बिकॉज ऑफ स्पीड आगे की तरफ जाके कलेक्ट हो जाएगा। अब ये और भी हो सकता है और आपके जो इम्प्योरिटी हैं वो भी हो सकते हैं। और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अट्रैक्ट होने की वजह से इस एरिया में, इस बकेट में आके कलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसे समझते हैं। ये बड़ा सा फनल है, इसमें से लगातार ओर गिर रहा है, रोटेट हो रहा है, द मशीन इज वर्किंग। मान लो यहां से इसको अटैचमेंट प्रोवाइड हो रहा है, ये अटैच्ड है यहां से। ओके, एंड दिस लेदर बेल्ट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लेदर बेल्ट द ओर विल ऑल्सो मूव फर्दर, आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे ओर आगे बढ़ेगा तो ये मैग्नेट अपना काम करेगा। अब अगर ये मैग्नेट नहीं होता तो सारा सब्सटेंस, वेदर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, ये आके इस बकेट में गिरता। बट क्योंकि यहाँ पे हमने एक मैग्नेट लगा दिया है और मैग्नेट क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। सो ड्यू टू अट्रैक्शन ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आके क्या कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक सब्सटेंस और यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। सो दिस वॉज मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ कोई भी और या तो ग्रेविटी सेपरेशन को फॉलो करेगा, तीन मेथड्स है, तीनों में से किसी एक को फॉलो करेगा। अगर डेंसिटी की बात होगी कि एक सब्सटेंस ऐसा है जिसकी डेंसिटी कम है, दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है, देन इट विल फॉलो द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इफ देयर इज सल्फाइड ऑन प्रेजेंट देन इट विल फॉलो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, एंड इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ आयरन सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि आयरन प्रेजेंट हो, तो ये मेथड का यूज होगा। नाउ द केमिकल मेथड, दैट मींस कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, वो उस कंपाउंड में कंबाइंड है, उस कंपाउंड में या उस ओर में जुड़ा हुआ है, तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे। द बेस्ट मेथड इज यूज ऑफ केमिकल्स। सो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, लीचिंग इज बेसिकली यूजिंग केमिकल्स, इसको आप नीचे लिख लो, यूजिंग केमिकल्स फॉर सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज। नाउ यहां पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया बॉक्साइड ओर का। बॉक्साइड दो तरीके के ओर प्रोड्यूस करता है, रेड बॉक्साइड एंड व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 and along with that little amount of FeO is also present in it. इस FeO को कैसे रिमूव करते हैं, तो जो हमारे पास मिक्सचर है जिसमें Al2O3 के साथ साथ FeO भी प्रेजेंट है, उस मिक्सचर में ऐड कर देते हैं NaOH। Now NaOH Al2O3 के साथ ऐड करके बना लेता है NaAlO2। This is known as sodium aluminium oxide. सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बनाता है ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अलोंग विद दैट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ लेकिन जब ये FeO से रिएक्ट करने की NaOH कोशिश करता है तो दिस फॉर्म्स इनसॉल्युबल,
मतलब ये NaOH में FeO डिसॉल्व होता ही नहीं है, और जब डिसॉल्व नहीं होता है तो ये बेस में कलेक्ट हो जाता है, तो इजिली हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन Al2O3 इजिली NaOH के साथ कंबाइन होके और फर्दर और स्टेप्स करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल ऑफ ब्लीचिंग। हम जब डिस्कस करेंगे एल्युमिनियम, कॉपर और मर्करी में, तो वहां देखेंगे कि अगर लीचिंग प्रोसेस की कहीं भी यूज होगी तो उसको डिस्कस करेंगे, वरना आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस है एंड वन एग्जांपल इज सफिशिएंट। यूजिंग केमिकल फॉर सेपरेशन, दैट इज यू लीचिंग इज अ मेथड, इज अ प्रोसीजर बाय विच वी सेपरेट इम्प्योरिटी विच इज कंबाइंड इन द ओर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स, एंड हियर द केमिकल इज NaOH, दैट इज कॉस्टिक सोडा। ओके, सो दिस वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग ऑफ ओर। ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद अब हम उसमें रोस्टिंग करेंगे या उसमें कैल्सिनेशन करेंगे, ये हमें देखना है। रोस्टिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैल्सिनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये हमें देखना है। और रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हमें समझना है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ओर। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर तो हो गया, ओर की ड्रेसिंग हो गई, दैट मीन्स उसमें से मर्ड, सैंड और जो भी थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज थी वो हमने अलग कर ली। अब ओर की करेंगे हम कन्वर्जन किसमें, ऑक्साइड ओर में, दैट मीन्स उसमें हम पहले ऑक्सीजन ऐड करेंगे ताकि जो बाकी के इम्प्योरिटीज हैं फालतू वो रिमूव हो जाए। तो उनको करने के लिए दो मेथड्स का यूज किया जाता है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये दो मेथड्स है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। नाउ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को हमने आपको डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, कई बार इसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और कई बार इसके रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो ये तीनों चीज आपको यहीं से मिल जाएंगे। बार बार हम कह रहे हैं कि एल्युमिनियम, कॉपर और मर्करी में से एक एक्सट्रैक्शन, एक मेटलर्जी तो आनी ही आनी है इन द लॉन्ग फॉर्म, लेकिन ये जो एरिया हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, यहां से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट के पार्ट में, बेसिकली 2 मार्क्स या फिर आपके 1 मार्क्स में। और जो बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम आपको ये बता दें कि मैंने जो नोट्स यूज किया है, दिस नोट्स इज ऑफ MSc लेवल, MSc केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो बच्चे MSc करते हैं वहां पे जो मेटलर्जी पढ़ाई जाती है, बेसिकली हमने वहां के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, ताकि हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम लेवल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन मेटलर्जी किसी भी लेवल पे, PGT, TGT, नीट, IIT और 10th और 12th, तो आप इजीली उनको बता सको। ओके, तो चलो कंपैरेटिव फॉर्म में, डिफरेंस के फॉर्म में दोनों को समझते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। सो हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब गुड एम्पल ऑफ, गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब हम हीट करते हैं किसी ओर को, देन दैट इज नोन एज रोस्टिंग। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सो रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच हीटिंग ऑफ ओर इज डन इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रोस्टिंग। वेयर एज कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच हीटिंग ऑफ ओर इज डन इन ईदर लिमिटेड अमाउंट, या तो लिमिटेड अमाउंट यानी कि कम अमाउंट में होगा, या तो नो ऑक्सीजन। अब लिमिटेड अमाउंट या नो ऑक्सीजन का मतलब क्या है? लिमिटेड अमाउंट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, यू आर हीटिंग, यू आर बर्निंग ओर इन अ क्लोज रूम, एक क्लोज रूम है, उसके सारे डोर, सारे विंडोज बंद है, और आप बीच में लार्ज अमाउंट में ओर को बर्न कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो वहां पे लिमिटेड हो गया। एंड नो का मतलब आप एक ऐसी जगह पे बर्न कर रहे हो जहां पे वैक्यूम पंप की हेल्प से आपने सारा एयर
सारा ऑक्सीजन रिमूव कर दिया था. ओके, नेक्स्ट डिफरेंसेस के फॉर्म में देखते हैं. तो पहला डिफरेंस तो ये दोनों हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन. दूसरा डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आर एस, आर एस, आर एस, क्या? यूज ऑफ सल्फाइड ओर. सल्फाइड ओर की जहां भी बात आएगी और बोल दिया गया ऑक्साइड फॉर्मेशन करना है, तुरंत आग बंद करके रोस्टिंग करा देना, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देना. ठीक है, अब अगर सल्फाइड ओर है और रोस्टिंग हो रही है तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट वुड बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस. लेकिन वहीं पे अगर कैल्सिनेशन की बात करें तो भाई इसको याद करना बड़ा इजी. क्यों? सी और सी, सी एंड सी, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर, सी सी, आप इस तरीके से याद कर लो, दो ही ओर है ही, एक कार्बोनेट एक सल्फाइड. ठीक, का जहां पे सी है वहीं पे दूसरा भी सी है, दैट मींस कैल्सिनेशन के साथ है क्या? कार्बोनेट ओर. बचा क्या? सल्फाइड ओर. तो आप आर एस भी याद कर सकते हो या सिर्फ सी याद कर लो, कैल्सिनेशन और कार्बोनेट ओर एक साथ, रोस्टिंग और सल्फाइड ओर एक साथ. ठीक है, तो जहां कहीं भी होगा कार्बोनेट ओर वहां होगा कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन में बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ऑक्सीजन वहां पे लिमिटेड अमाउंट में या नहीं है, तो उसमें से निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्शन देख लेते हैं. ZnS इसको रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन से, भाई रोस्टिंग है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला. तो आप देख रहे हो यहाँ पे है क्या? गैस, गैस हमेशा ऊपर की तरफ लिबरेट. ओके, सो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस. इसके बाद एक और हम रिएक्शन देख रहे हैं CuS को, अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करें. बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस आपको रिएक्शन को करना है. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं तो बनेगा क्या? पहले बनेगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को फर्दर हम हीट करते रहेंगे, देन कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और लिटिल अमाउंट में नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट होगा. नाउ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज ऑल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म. डायटोमिक फॉर्म मतलब H2, N2, O2, इस तरीके से होते हैं. अगर कभी ये सिंगल एटम के फॉर्म में हो, दैट मीन्स इट इज नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट नाइट्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन. ओके, नाउ इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ हम करेंगे क्या? हीट करेंगे, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन यूज ही नहीं करना है, हीट किया तो हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, विच इज अ कार्बन डाइऑक्साइड निकली, विच इज अ गैस. इसी तरीके से जिंक कार्बोनेट, हीट किया, हीट को हम डिनोट करते हैं किससे? ट्रायंगल से, तो बना क्या? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो कौन कौन से हमने तीन तरीके बताए थे जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला डेफिनेशन, दूसरा कौन सा? डिफरेंस, और तीसरा एग्जाम्पल. ये तीनों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया. अब वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. दो छोटे छोटे और मेथड हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रिडक्शन, जिसमें हम ऑक्सीजन को बाहर कर देंगे, क्योंकि भाई ऑक्सीजन जब तक है तब तक हमारा मेटल प्योर नहीं है. और उसके बाद हम करेंगे फाइनल रिफाइनिंग, तो थोड़ा बहुत जो गंदगी इम्प्योरिटीज बची है वो उस रिफाइनिंग से हट जाएगी. ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे कहां पे? रिडक्शन की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑक्साइड ओर बन गया. ऑक्साइड ओर बनने के बाद अब हम ओर को कैसे मोर प्यूरिफाई करेंगे? तो नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन, जिसका एक प्रोसीजर है स्मेल्टिंग. बेसिकली स्मेल्टिंग ही एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ओर को रिड्यूस करते हैं. सो मेटल्स लाइक Pb, Zn, Fe, Sn एंड कॉपर एंड सम मोर मेटल्स, दे आर यूज्ड इन दिस स्मेल्टिंग. ओके, ऐसा कोई भी ओर जिसमें कि इनमें से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो उसमें हम स्मेल्टिंग कराते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है स्मेल्टिंग का? मेटल को ऑक्साइड ले लिया, मेटल को ऑक्साइड कहां से मिला था? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से. फिर उसके साथ ले लिया कोक, और कोक के साथ थोड़े अमाउंट में ले लिया फ्लक्स. अब फ्लक्स याद है आपको, इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम लोगों ने देखा था. ये फ्लक्स क्या होता है? बेसिकली ऐसा एलिमेंट जो कि गैंग पार्टिकल से रिएक्ट कर ले
ऑर्गेनिक पार्टिकल से रिएक्ट करने के बाद इम्प्योरिटीज लिबरेट करें इन द फॉर्म ऑफ स्लैग ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, मेटल, मेटल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा, तो इसको हम एरो से शो कर देते हैं एंड फाइनली स्लैग, ये चीजें हमें मिलेंगी। एक रिएक्शन देख लेते, एक बेसिक एग्जांपल देख लेते, फॉर एग्जांपल कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको कोक और SiO2 से रिएक्ट किया, SiO2 इज द फ्लक्सी, ओके, सो हमें मिला क्या, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज स्लैग जो कि वेसल के बेस पे कलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने रिडक्शन कर लिया। नाउ रिडक्शन के बाद हमें मिल गया मेटल। ना समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स कि मेटल्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। नाउ वो इम्प्योरिटीज अगर पॉजिटिव हैं तो फिर उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, या अगर नॉन मेटल है नेगेटिव है तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे, तो उन सब के लिए एक ही मेथड है जिससे कि हमें 99.9% प्योर मेटल मिलता है, दैट मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप दिखता कैसा है, तो ये पूरा सेटअप है इसका, इसमें दो रॉड्स होते हैं और ये रॉड्स होते हैं किसके, ग्रेफाइट के, ओके, ग्रेफाइट के ये रॉड्स होते हैं और इन ग्रेफाइट के रॉड्स में लगा दिए जाते हैं वायर्स और ये वायर्स को प्लग कर दिया जाता है सॉकेट में, एक को कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव से, एक को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव से। जो पॉजिटिव होता है दैट इज एनोड, अगर आपको याद होगा तो कैटायन और एनायन था, कैटायन पॉजिटिव एनायन नेगेटिव, उसका उल्टा यहां पे होगा, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, ठीक है। फिर वेसल के अंदर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाता है, ईदर एक्वस सॉल्यूशन और द ओर इन मोल्टन स्टेट, यानी पिघले हुए स्टेट में, सो दैट मींस कि रिडक्शन कराया, रिडक्शन कराने के बाद हाई टेम्परेचर पे ओर को पिघला लिया जाता है, मेटल को मेल्ट करा लिया जाता है। सो इस इलेक्ट्रोलाइट में ये जो लिक्विड आप देख रहे हो, दिस लिक्विड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे कोई भी लिक्विड हो सकता है, सोडियम आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कॉपर एनी वन ऑफ विच यू वॉन्ट टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस। इसको करने के बाद इस पूरे वेसल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें कि ये रिएक्शन हो रहा है। ना होगा क्या कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और जो भी इसमें मेटल एंड नॉन मेटल होगा, मेटल बीइंग पॉजिटिव इन नेचर will be attracted towards anode, cathode. Metals positive in nature, तो non-metals की तरफ attracted होंगे, that is cathode. Anode positive in nature, इसके पास क्या आएंगे? Negative particles. तो यहाँ आएंगे negative particles, यहाँ आएंगे positive particle. यानी कि आपको metal कहाँ पे मिलेगा? Metal will be in cathode. यहाँ से आप metal को extract करोगे। एनोड के जस्ट नीचे इस एरिया में कभी कभी कुछ इम्प्योरिटी होती है एंड दिस, आप कंफ्यूज ना हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इम्प्योरिटी में, दिस इम्प्योरिटी इज नोन एज एनोड मड। आप देख सकते हो एनोड के नीचे ये कलेक्ट हो रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनोड मड, ठीक है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस लिबरेट होना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव आयंस आर कैटायंस, नेगेटिव आयंस आर एन आयंस, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है, इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। नाउ लिसन वेरी थिंग वेरी केयरफुली, हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रोलिस पूरा मेटलर्जी का पोर्शन कंक्लूड कर लिया है, पूरा मेटलर्जी का पोर्शन डिस्कस कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर टिल यू गेट द ओर विच इज 99% प्योर। सो यहाँ पे कैथोड पे जो हमें मेटल मिलेगा उसको हम फिर स्क्रैप आउट कर लेंगे, हम निकाल लेंगे बाहर, एंड दैट वुड बी 99.9% प्योर। अब इसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े रेलवे ट्रैक्स, अगर आयरन है तो रेलवे ट्रैक्स बनाने में, एल्यूमिनियम है तो ट्रंक्स बनाने में, शीट्स प्रिपेयर करने में, अलग अलग जगह हम उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ मेटलर्जी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एल्यूमिनियम कॉपर एंड HG इन डिटेल, ठीक है, किस तरीके से
एल्युमिनियम को अलग करते हैं, कॉपर को अलग करते हैं फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव ओर्स. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे. आई होप सो कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा, ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी. अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी और आपको मजा आया, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो मे बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट डन इट टिल नाउ. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे. मीट यू ऑल इन द सेकेंड पार्ट ऑफ मेटलर्जी. वेट करिएगा, बहुत ही जल्दी हम इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड करेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.